सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने वाले एंटमैन एंड द वास्प फिल्म के बारे में जो कि एंटमैन 2 थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संकेत, ये एंटमैन सेकेंड जो मूवी आई थी आफ्टर इन्फिनिटी वॉर आई थी, आप इस मूवी के बारे में बताइए। पहली बात करूँ तो इसमें जो पैथन रीड है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इसके पहले फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट की थी। तो इतनी खास तो ये फिल्म थी नहीं, बट फिर भी लोगों को पसंद आई, मुझे भी पसंद आई जब मैंने ये फिल्म देखी। बट स्टोरी के बारे में बात करूँ और विलन के बारे में बात करूँ तो इतनी कुछ खास है नहीं है, बट आपको सब कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में। जैसे क्वांटम रिम का ज़्यादा इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ है, क्योंकि इसके बाद हमें एंड गेम में ही वो चीज़ देखने मिलने वाली है। जैसे कि हैंक पिम की जो वाइफ रहती है, जो 1989 में गुम हो जाती है, क्वांटम रिम में फंस जाती है, क्योंकि सबसे छोटे होने के बाद हम लोग क्वांटम रिम में पहुँच जाते हैं, ऐसा हैंक पिम का मानना रहता है। तो वहीं पर वो फंसी हुई है। और इधर हमारे स्कॉटलैंड जो अरेस्टेड है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर में जो उन्होंने चीज़ें की थी, जो चीज़ें तोड़ी थी, उस वजह से वो 2 साल से अपने ही घर में कैद है पुलिस की वजह से। तो उनके ऊपर ट्रैकर लगा है, वो बाहर कहीं नहीं जा सकते, डॉटर को भी मिलने घर ही आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसे स्टार्ट होता है फिल्म, बट धीरे धीरे वो रिल्म में, क्वांटम रिल्म में जाके आए रहते हैं, तो उनको वो चीज़ें दिखती है, सपने में दिखती है, लाइव इवेंट्स में दिखती है। जैसे खुद का चेहरा ही उनको जेनेट डायन है जो हैंक पिम की वाइफ बताई है इस फिल्म में, उनका ही खुद का चेहरा दिखता है उनको। ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वो वॉइस मेल के जरिए हैंक पिम के पास इस मैसेज को पहुंचा देते हैं, जो कि हैंक पिम भी छुपे फिर रहे हैं, जो इसमें हमारी वास्प है वो भी छिपी फिर रही है, वो दोनों डॉटर और फादर वो दोनों छिपे फिर रहे हैं, क्योंकि सिविल वॉर ने एंटमैन ने ऐसा कर दिया। इस वजह से ये घूमते रहते हैं इधर उधर। तभी हमें पता चलता है जो घोस्ट है इस फिल्म में, उसका स्टोरी कि वो आती है अचानक से इस फिल्म में, रिवील होती है और वो मारने लगती है सब लोगों को, और इसके पीछे पड़ी हुई रहती है, हैंक पिम के पीछे, हैंकमैन के पीछे पड़ी हुई रहती है। तो वो कहाँ से आई है तो पता चलता है हमें इस फिल्म में, कि वो इनके जो हैंक पिम के जो दोस्त थे, जो कि एक उनके साथ ही काम कर रहे थे इस क्वांटम रिल में, तो उसमें ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट के ज़रिए, वो ब्लास्ट होते समय उनकी डॉटर, उनकी वाइफ और वो वहाँ पे रहते हैं, जो कि ये घोस्ट है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तीनों वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में यही बचती है जो कि घोस्ट बन गई है, जिसका घोस्ट एज द सेंस वो जब उसके खुद के ऊपर कंट्रोल करती है तो वो दिखती है, जब उसका कंट्रोल छूट जाता है तो वो नहीं दिखती है। ऐसी चीज़ें होती है। और इधर एक तरफ हमारे स्कॉटलैंड और हैंक पिम और जो हमारी वास्प है वो सारी क्वांटम रिल में जाने की तैयारी करते हैं उनकी वाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि इसको दिख रहा है कि क्वांटम रिल में वो अभी भी जिंदा है। तो ऐसे ही स्कॉटलैंड को भेजते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे एंटमैन है उनको भेजते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद क्वांटम रिल का बहुत बढ़िया सीन से, बहुत कलरफुल मूवी है ये, जैसी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी रहती है वैसी ये कलरफुल फिल्म है। और क्वांटम रिल में जाने के बाद वो उनको बचा के लेके आते हैं, और उनको बचाने जाने के लिए खुद हैंक पिम भी जाते हैं, ये भी दिखाया है इस फिल्म में, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और क्वांटम रिल में जो कि एनिमल्स क्रीचर्स होते हैं वो भी दिखाए हैं। क्वांटम रिल की जो ताकत है वो इस इनके जेनेट डायन जो है उनके बॉडी के अंदर समा चुकी है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सालों से उस क्वांटम रिल में रह चुकी है इसलिए। तो वो वापस आने के बाद घोस्ट को समझाती है, घोस्ट का स्टेबलाइज करती है, नॉर्मली स्टेबलाइज करती है उसकी पावर्स, ताकि वो घोस्ट ना बने। ऐसी इस फिल्म की एंड है। और कॉमेडी तो है इस फिल्म में, वो तीनों दोस्त कॉमेडी करते हैं, और अच्छी है, ठीक है फिल्म, बस इट्स ओके फिल्म है। बट फिर भी इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा ग्रॉस किया था, जैसे इस फिल्म में कमाए थे कुछ 650-700 मिलियन के आसपास, और इस फिल्म का बजट है 170 मिलियन के आसपास। ओके, थैंक यू। और मिडिल पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बताइए। मिडिल क्रेडिट जो सीन है इस फिल्म का वो काफ़ी हिला देने वाला है, जो कि क्वांटम रिल्म से जो पावर्स है जो इनको मिली है, जेनेट डायन को जो कि हैंक पिम की वाइफ है, उनको जो मिली है वो पावर्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारे एंटमैन को भेजा जाता है। तब इसमें दिखाई देता है हमें कि क्वांटम रिल्म का जो पूरा वो मशीन है, क्वांटम रिल्म में जाने का जो लैब है
वो छोटा हो चुका है, जो कि अभी बस में भी आ जाता है, जो कि एवेंजर एंड गेम के फर्स्ट ट्रेलर में हमें दिखा था, जो कि स्कॉटलैंड के पीछे वो वैन खड़ी रहती है, वही ये वैन है, वही ये वैन है जिसमें से जिसमें जाते हैं हैंक पिम, सॉरी हमारे एंटमैन, जिनको भेजते हैं क्वांटम रिम की ताकतें लाने के लिए। तो वो अंदर जाते हैं और सारी चीज़ें लेके आते हैं और वहाँ से ही बात करते हैं, हाँ अब मैंने पावर्स ले लिए, यहाँ के कुछ मटेरियल्स, कुछ ये वो डेटा ले लिया है मैंने, तो मुझे बाहर निकालो। तो सडनली बाहर आता है कैमरा, वो तो बाहर नहीं आता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता उसके वॉइस को, बट वो सडनली बाहर आता है कैमरा, तो हमें दिखता है सब जब एक वे डस्ट हो रहा है, डस्ट इन द सेंस जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने स्नैप किया था, वो स्नैप की वजह से ये तीनों लोग उड़ चुके हैं, ऐसा दिखता है हमें इस फिल्म में, कि हैंक पिम भी नहीं रहे, वास्प भी नहीं रही, और जो जेनिथ डायन है जो कि इसके पहले वास्प थी वो भी नहीं रही, वो तीनों उड़ जाते हैं डस्ट के कारण, और यहीं पे इस फिल्म का एंड होता है। और इसके बाद अगर मैं बहुत बड़ी बात करूँ इस फिल्म में हमें वास्प की सुपर पावर्स दिखाई देती है, जो कि वास्प बड़ी भी हो सकती है, उड़ भी सकती है, एंटमैन के सारे फीचर्स तो है ही, बट वास्प उड़ भी सकती है खुद, उसको पंख्स वगैरह रहते हैं, पंख रहते हैं तो वो उड़ जाती है इधर उधर से। तो उसके भी कुछ फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं, जैसे ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि वो बॉटल फेंक के मारती है तो बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और वो चॉपिंग वाला जो सीन है जिसमें विलन चॉप करते रहता है कंटिन्यूस टोमेटोस को, वो भी काफ़ी अच्छे सीन है, और बहुत सही फिल्म है। और मुझे सबसे अच्छा और कॉमेडी जोक वही लगा जिसमें लैब लेके भाग रहे हैं वास्प और उसका फ्रेंड है स्कॉटलैंड का, और वो गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी अचानक से छोटी हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम इस फिल्म में हमें देखने मिला था कि वैसे ही कुछ चीज़ें हम गाड़ी में भी फिट कर सकते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया था। वो काफ़ी अच्छा सीन है, अगर आप उसके VFX ब्रेकडाउन देखोगे तो आपको पता चलेगा VFX बहुत सही बनाया था उस फिल्म का। कि तो सेकंड एंटमैन मूवी के लिए क्या रेटिंग दूंगा? आउट ऑफ 10 मैं दूंगा 7.5 इसलिए दूंगा, मैं 8 भी नहीं दूंगा, 7.5 इसलिए दूंगा, मुझे ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाई थी, बट फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी थी। IMAX में देखी मैंने, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स थे जिसमें वो शिप को भी पकड़ के उठा के एक साइड में कर देता है, वो भी सही सीन था। तो